नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ जाइए। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी। हाय मैडम जी। हाय। हाय। कैसे हो भाई? कैसे रहेंगे सर, हम एक गरीब आदमी हैं और गरीबों का जीवन हमेशा कष्टमय होता ही रहता है। ठीक है ठीक है, सब छोड़ो, अभी अभी एक चीज बताओ मेरे को, तुम्हारा गर्लफ्रेंड वगैरह है? नहीं सर, मेरा कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है सर। है कोई बता दो यार। सर अब मैं आपको क्या बताऊं, है एक पड़ोसी सर जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। पड़ोसन है? घर से निकलते सर, ही कुछ दूर चलते ही दिल में है उसका घर। वो तो है, वो तो है। मैं एक लाइन कह सकता हूँ कि तुम्हारे रोम रोम में तुम्हारी पड़ोसन बसी हुई। जी हाँ सर, लेकिन जिस पड़ोसन से हम हद से ज्यादा प्यार करते थे वह पड़ोसन हमसे जुदा होकर चल गई है सर। क्यों? क्योंकि सर हम एक नीच जाति के हैं और गरीब भी हैं सर। जब उस लड़की को पता चला कि हम एक नीच जाति के और गरीब हैं तो उस लड़की ने मेरा साथ छोड़ दिया सर। लोग कहते हैं सर कि नीच जाति के होते हुए भी तुमने प्यार किया है यह गलत किया है और तुम्हें समाज से निष्कासित कर दिया जाएगा। क्या सर हम नीच जाति के हैं तो क्या हम लोग प्यार कर नहीं सकते हैं? क्या हम लोगों के अंदर प्यार की भावना नहीं होती है सर? सभी तो एक समान है ना, सभी के अंदर एक खून होता है, एक ही खून का रंग होता है, सभी का मांस चमड़ा का होता है। क्या हम लोग प्यार नहीं कर सकते हैं सर? लोग हमें भला बुला बोलते हैं सर और कहते हैं कि तुम एक नीच जाति के होते हुए तुमने एक लड़की से प्यार किया है, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो बातें बोलते हैं सर। लेकिन मैं एक बात दिल से कहना चाहूँगा सर कि लड़कियाँ लोग होती है ना, लड़की के प्यार की भावना जो होता है ना उससे बहुत ठेस पहुँचाती है सर, हमेशा उसको मजाक बना देती है और लड़के का प्यार के भावनाओं को कभी भी समझ नहीं पाएगी सर और ना अभी भी समझती है सर। हमेशा हम लोगों को मजाक बनाया जाता है, भले ही हम एक नीच जाति है के हैं सर, लेकिन हमने अपने सच्चे दिल से प्यार किया था, अपने उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करने का सोचा था सर। लेकिन क्या कहा जाता है ना कि सोचा हुआ चीज़ कभी पूरा नहीं होता है सर, वही चीज़ हमसे हुआ, हमारे साथ हुआ है सर। उस लड़की ने हमसे जुदा होकर चल गया और किसी और से शादी कर लिया सर। हम सब उस जगह से गुजर चुके हैं, ये जो दर्द है मतलब जुदा होने का, ये कोई छोटा सा या मामूली दर्द तो नहीं होता। सो आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। अब बहुत अच्छा सा कुछ गा दो यार, हम तरस रहे हैं। और जवानी से टकरा गई आँखों की लड़ी, यूं नहीं आँख से आँखों की लड़ी, यूं मेरी आँख से। आगे क्या हुआ? देख कर ये लड़ाई मता गया मेरे रिश्ते को मन, तूने पहली नजर मेरे रिश्ते को मन, तूने पहली नजर नजर से मिलाई मता गया मेरे रिश्ते का मन, तूने पहली नजर नजर से मिलाई मता गया मेरे रिश्ते का मन, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मता गया, जब नजर से मिलाई मता गया। और बर्फ से गिर गई काम कर गई, बर्फ से गिर गई काम कर गई, आग कैसे लगाई मजा गया मेरे रिश्ते कमर, तूने पहली नजर मेरे रिश्ते कमर, तूने पहली नजर नजर से मिलाई मता गया।
शाम में घोल कर हुस्न की मस्तियां, निने दादा निने दादा निने दादा दादा निरे रे मदा गगा शाम में घोल कर हुस्न की मस्तियां, शाम में घोल कर हुस्न की मस्तियां, चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया, चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया, चांद के साए में, चांद के साए में है मेरे साथिया, चांद के साए में है मेरे साथिया, तूने ऐसी पिलाई मजा आ गया, मेरे अश्क के कमल तूने पहनी नजर, शीशे में अंगड़ाई लेने लगा। किसी ने सही कहा है कि पीने दे मुझे मस्जिद में बैठकर गाले हो, या फिर कोई ऐसी जगह बता जहां खुदा ना हो। नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा, नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा, बस मेरे निगाह में सागर सनक दे दे, बस मेरे निगाह में सागर सनक दे दे, मैं कदे पे बरसने लगी मस्तियां, मैं कदे पे बरसने लगी मस्तियां, जब घटा फिर के छाई मजा गया, मेरे रश्के कमर तूने पहनी नजर, मेरे रश्के कमर तूने पहनी नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया, जब नजर से मिलाई मजा गया, नजर से मिलाई मजा गया। तुमने हिस्टोरिक परफॉर्मेंस दिया है, सी व्हाट अ वंडरफुल सिंगर यू आर, कि पूरा माहौल इतने स्ट्रेस में होने के बावजूद भी तुमने अपने सारे दुखों को भूलकर जिस शिद्दत के साथ परफॉर्म किया, वो दिखाता है कि तुम में कितना पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल तुम अगर छोड़ के जाना चाहती थी तो म्यूजिक के साथ बहुत नाइंसाफी होती। बहुत बहुत जबरदस्त कमाल।